हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे भूमि 99 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नोकिया X7 के फीचर्स और प्राइस के बारे में। इस नोकिया X7 के फीचर्स क्या होंगे और प्राइस क्या होगी, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि नोकिया X7 के फीचर्स और प्राइस क्या होंगे। दोस्तों, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए वीडियो लेके आता हूँ, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते, मैं आपको बताता हूँ नोकिया X7 के बारे में। दोस्तों, नोकिया X7 को ग्लोबली मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है, इसको केवल चीन में लॉन्च किया गया है। वहाँ पर इसकी जो सेल है वो हो रही है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसका जो फीचर्स हैं, वह इसका जो डिस्प्ले 6.1 Hz का HD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 6 GB की रैम और 4 GB की रैम दी गई है। 4 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल मेमोरी और 6 GB की दो वेरिएंट में है, एक 64 GB वेरिएंट के साथ में, एक 128 GB वेरिएंट के साथ, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फोटोग्राफी के कैमरे के लिए। तो इसमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। इसमें जो है 12 MP और 13 MP के प्राइमरी रियर लेंस और सेकेंडरी रियर लेंस दिए गए हैं। अब सेल्फी के लिए इसमें 20 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही इसमें पावर बैकअप के लिए 3000 mAh की बैटरी दी गई है, और इसके जो है ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए दिए गए हैं। तो इस तरह से इसके फीचर्स हैं, और प्राइस के बारे में अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल भारत में या ग्लोबल मार्केट में इसको लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसको जो है जैसे ही लॉन्च होगा तो मैं इसके बारे में आपको दूसरा वीडियो बना के बता दूंगा। दोस्तों, ओके बाय, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, ओके बाय।